हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो यार, आज आपको हमारे चेहरे से ही लग रहा होगा हम कितने ज़्यादा खुश हैं इस रिएक्शन के लिए। तो जो ये रिएक्शन होने वाला है, वो होने वाला है एक न्यू गाने पर, जो कि होने वाला है गाइस, आतिफ असलम एंड राहत फतेह अली खान का ओ माय गॉड व्हाट अ कोलैब। सही में यार, बहुत सही कोलैब। मतलब एक जो राहत फतेह अली खान है, एक तो वैसे ही इतने उमदा, मतलब इतने अच्छे सिंगर हैं, लेवल लेजेंडरी आर्टिस्ट, एंड देयर इज आजकल के असलम, ओ माय गॉड, सबके दिलों की धड़कन आतिफ असलम। तो गाइस, गाने का जो नेम है वो होने वाला है जिंदा दिल, एंड वी हैव वेरी वेरी हाई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हम पहले बता रहे हैं, क्योंकि टू ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट आर टुगेदर, एंड ये गाना काफी धमाकेदार होने वाला है, हमें पूरा पूरा पता है, पूरा पूरा पता है। और गाइस, अभी तक मतलब 2 हफ्ते हुए हैं इस गाने को आया, एंड इसने 35 मिलियन व्यूज क्रॉस कर दिए हैं। तो उससे ही हम थोड़ा एक्सपेक्टेशंस, मतलब एक तो यहाँ हमारी थी, अब यहाँ से वो बाहर चली गई है, क्योंकि इतनी जनता इस गाने को लाइक कर रही है और बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो रहा है, तो हमने सोचा कि इस पर फटाफट से रिएक्शन देते हैं। एग्जैक्टली गाइस, तो अभी देखते हैं फटाफट से, दो इतनी बढ़िया बढ़िया आवाज़ें जब साथ में, तो क्या जादू होने वाला है। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, एंड Let's just go. Like also. मैं मुझ जैसे हो एक तुम जैसे सारे हम अपने लगते हैं, हाथ हाथों में समझते हैं, घर बनते हैं जुड़ने से, होते हैं जॉइंट हम हैं, जितनी भी हो खुशियां कम हैं, मोहब्बत सच्ची हो तो फिर इसमें झूठ नहीं है, मोहब्बत साफ दिलों से कर, बनो तुम अपने जैसे, नहीं तुम जैसा कोई, जिंदा दिल में जो जिंदगी जीऊंगा, जीना सबका आसान करूंगा, मैं क्योंकि मैं ग्रीन हूं, प्यार जीता हूं मैं, प्यार जीऊंगा, जिंदा दिल हो जो जिंदगी जीऊंगा, जीना सबका आसान करूंगा, मैं क्योंकि मैं ग्रीन हूं। ये दुनिया है काला पत्थर, ये दुनिया है काला पत्थर, तू समझे चमक से आधा जो जात है, जो जात है वजूद में, जो जात है वजूद में, उसी का तो पता नहीं, आईने के सामने भी मैं मुझे मिला नहीं। वाओ, जिंदगी जीऊंगा, जीना सबका आसान करूंगा, मैं क्योंकि मैं ग्रीन हूं, क्योंकि मैं ग्रीन हूं, क्योंकि मैं ग्रीन हूं, क्योंकि मैं ग्रीन हूं, क्योंकि मैं ग्रीन हूं। ओके, तो
गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाने की स्पेशलिटी की बात कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ थी इस गाने के बारे में वो ये थी कि इसमें इतने सारे लेजेंडरी सिंगर्स थे, मतलब आई गेस 8 to 10 लेजेंडरी सिंगर्स थे, जिसमें से बहुत सारे ऐसे सिंगर्स थे जिन्हें जो हमारे पर्सनल फेवरेट हैं। एग्जैक्टली और मतलब पहले तो चल रहा था जब लेकिन आबिदा परवीन जी का पार्ट आया ना, आई वॉज लाइक कि क्या, लाइक उनको मैंशन क्यों नहीं करा है टाइटल में, बिकॉज गाइज आई विल बी ऑनेस्ट, सारे आर्टिस्ट अमेजिंग आउटस्टैंडिंग, बट जब उनका पार्ट आया ना तो भाई सांसें थम गई और बिल्कुल गूज बम्स, बहुत अमेजिंग। यस, मैं भी इस चीज़ को मेंशन करना चाहूँगी कि उनका नाम मेंशन करना चाहिए था इन लोगों को टाइटल में, क्योंकि जो उनका पार्ट था आई गेस इस गाने में, सब सिंगर से हटके जो उन्होंने पूरा एक पैरा जान लाई है ना एक सॉन्ग में, वो बहुत अच्छा। और जो वो लाइंस बोल रही थी ना, जिस जात का मैं ये हूँ, और इतनी अच्छी लाइंस उन्होंने गाई, और ऊपर से वो इतनी, मतलब जब हमने उनके कोक स्टूडियो का गाना सुना था, वो वाला कौन सा सॉन्ग था वो, टाइटल नहीं आता, मैं समझ गई आप, तू झूम, हाँ तू झूम। तो जब हमने वो सॉन्ग सुना था, उसके बाद जब हमें रियलाइज हुआ, तब हमने आई गेस डिस्कवर किया था, उससे पहले भी हमने उनके बहुत सारे गाने सुने होते, बट हमने रिएक्शन था, हाँ मतलब उतना इन डीप की आप परवीन जी ये है, इनके वाले सॉन्ग्स है, लेकिन तू झूम के बाद हमें एक्चुअली पता चला, वी वर लाइक ओ माय गॉड, हम कहाँ जी रहे थे सही में। और उन्होंने उसमें धमाका किया था, और इसमें भी उन्होंने उतनी जान डाली है जितनी उन्होंने उस गाने में डाली थी, और काफी ज्यादा मेरे को तो बहुत अच्छा लगा उनका पार्ट, मुझे भी अच्छा लगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट अदर सिंगर्स एज वेल, काफी ज्यादा ऐसे हाई ग्रूवी सा सॉन्ग था, और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा था कुछ डिफरेंट होगा, बट गाइज ये तो काफी डिफरेंट हो गया, तो गाइज काफी मजा आया इसमें, इतने सारे के सारे सिंगर्स थे, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। उसके अलावा एक और चीज़, जब राहत फतेह अली खान का गाना आया था, मतलब लाइन आई थी, तो उनका पार्ट, मतलब सब सिंगर्स का बहुत बहुत अच्छा पार्ट था, बट जब उन्होंने एंड में वो करा ना, जब सब सिंगर्स ने गाया, तो उसमें राहत फतेह अली खान की आवाज़ बिल्कुल ऐसे अलग से आ रही थी, और वो ना एक क्या कहते हैं, गाना होता है, गाना लोग गा रहे हैं, उसमें एक होता है ना जान डाल देना, वैसी वाली बात। एग्जैक्टली, मैं भी इसकी डिस्क्रिप्शन में ही देख रही थी, उन्होंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है नाम सारे के सारे आर्टिस्ट का, बट टाइटल में नहीं करा है। Yes. But guys, इतने सारे लेजेंडरी सिंगर्स, ओ माय गॉड, लाइक इन्होंने ना हर जॉनर के सिंगर को ला दिया, जैसे आसिम हजर, आतिफ असलम, मतलब सूफी भी इनफैक्ट, तो सब कुछ को मिला के जो एक कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया ना, दैट वाज अमेजिंग, लाइक काफी अलग, इतने जो इसके व्यूज है पूरे डिजर्विंग है सही में। और इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो साहिर अली बग्गा की है, और उनके गाने हमेशा से हमने सुने हैं, तो अभी मैंने अभी देखा कॉम्पोजिशन उनमें साहिर अली बग्गा, और ऑब्वियसली जब तेको याद है जब हमने टॉप 100 OSTs में रिएक्ट करा था, तो सबसे ज्यादा टॉप 10 में साहिर अली बग्गा के ही थे, तो उनका बहुत इसमें योगदान रहा है, तो यार काफी अच्छा लगा हमें तो पर्सनली। यस गाइस, तो काफी ज्यादा मजा आया सुन के, काफी ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी था इसमें, जो कि काफी अच्छा था, काफी अच्छा, बट मेरे को अभी भी लगता है कि टाइटल में मेंशन करना चाहिए था, बिकॉज उससे, हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा, बिकॉज यार उनका बहुत, मतलब बहुत एक होता है ना कि सब आर्टिस्ट ने 10% दिया, यार उनका मतलब हमें पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एक चीज मतलब उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, तो आई फील कि शी डिजर्व्स टू विन द टाइटल। यस, हाँ मेरे को भी सेम यही चीज लगती है। तो गाइज आप लोग बताओ कि आपको भी लगता है ऐसा, और आपको कैसा लगा जब आपने पहली बार सुना, और ऑब्वियसली जनता इसे बहुत लाइक करी, तो आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा, बट स्टिल आप कॉमेंट्स में बता सकते हो आपको कैसा लगा। यस गाइज, सो दिस वॉज अ रिएक्शन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।